आप देख रहे हैं सीरियल से आप आ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा, आर्यन डिसाइड करेगा कि वो करवा चौथ स्पेशल इंटरव्यू करेगा माधव और विद्या के साथ। माधव विद्या आर्ग्यू करते हैं, अबीरा देखती है इन दोनों को लड़ता हुआ, विद्या देखती है अबीरा को और वो कहती है कि तुम हर जगह क्यों पहुँच जाती हो। अबीरा कोशिश करती है बात करने की माधव से। माधव अबीरा से कहते हैं कि प्लीज़ अभी मुझसे बात मत करो इस मैटर में। अबीरा आर्यन से बात करती है, आर्यन भी बात करने से मना कर देता है। अबीरा आर्यन से कहती है तुम्हें क्या हुआ है। चारों आर्यन से कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी भाभी से उनके साथ बदतमीजी करने के लिए। अबीरा चारों से कहती है कि रिलैक्स चारों, इट्स ओके। चारों कहती है हर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट क्यों करता है। अबीरा चारों से कहती है ये बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या मिला। चारू कहती है अबीरा से कि नीरज ने मुझे साड़ी गिफ्ट की है। अबीरा थोड़ी सी ड्रिजी फील करती है लेकिन वह चारू से झूठ बोलती है। विद्या रूही से कहती है कि आप ठीक हैं बेटा। रूही कहती है कि हाँ माँ मैं ठीक हूँ। रोहित यहाँ पर वरीड है रूही के लिए। रूही अश्योर करती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अबीरा डिसाइड करती है कि वह हॉस्पिटल जाएगी लेकिन वह अभी भी ड्रिजी फील करती है। अबीरा कहती है डॉक्टर से कि मैं करवा चौथ के बाद आऊँगी। डॉक्टर अबीरा को चिल्लाती है फास्ट रखने के लिए। वह अबीरा से कहती है तुम अपना ख्याल रखो एटलीस्ट 3 महीने। अबीरा डिसाइड करती है कि वह अपना फास्ट तोड़ लेगी। संजय अरमान से कहते हैं खाना खाने के लिए। अरमान कहता है कि नहीं मैंने अबीरा के लिए फास्ट रखा है। संजय उसे जज करता है। अबीरा फास्ट तोड़ देती है और झूठ बोलती है लेकिन यहाँ पर कोई अबीरा को खाते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। अबीरा को बहुत बुरा फील होता है अरमान से झूठ बोलते हुए। पोदार्स करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। काजल संजय से कहती है कि कावेरी अभी नहीं मानेगी कि वो चारू को फास्ट रखने दे। संजय गुस्सा हो जाता है काजल पर। आर्यन डिसाइड करता है कि वो जो वीडियो थी वो प्ले करेगा अबीरा के रिकॉर्ड की हुई और अबीरा को एक्सपोज करेगा। अरमान शौक है जब उसे पता चलता है कि अबीरा फास्ट नहीं है। अबीरा भी शौक है। रूही यहाँ पर रिकॉर्ड करती है अबीरा की वीडियो। विद्या टोन करती है अबीरा को फास्ट तोड़ने के लिए। वो कहती है अबीरा तो एक अच्छी बीवी भी नहीं बन सकती। विद्या कहती है अरमान तुमने इसके लिए छोड़ा था घर जो तुम्हारे लिए फास्ट तक नहीं रख सकते। और अरमान भी शौक है। अबीरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन अरमान मना कर देता है। चारू नीरज सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। चारू कहती है नीरज से अपने पास के बारे में। नीरज फिर भी डिसाइड करता है चारू से शादी करेगा। इधर अरमान रिचुअल कम्प्लीट करता है। अबीरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है। माधव भी अरमान अबीरा के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन विद्या उसे रोक लेती है और कहती है बीवी की तो परवाह नहीं है, कम से कम रीति रिवाज की तो परवाह कीजिए। रूही यहाँ मनीष को रोकती है अबीरा के पीछे जाने से। वो कहती है कि अब तक आपने उसको सपोर्ट किया था ना, आखिर आप उसको कितना सपोर्ट करेंगे। मनीष रूही से कहते हैं कि बस कर बेटा इतनी नफरत लेकर कि तू अपने दिल में कैसे जिएगी। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए।